ಸ್ವಾಗತ ಸುರುಕಡಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಸಡಕ್ ದುರ್ಘಟನಾ ಮೇ ಏಕ್ ಗೋಟೆ ಕಿ ಮೃತ್ಯು ಆ ಏಕ್ ಗೋಟೆ ಘಾಯಲ್ ನಯಾ ಸಕ್ತಿ ದ್ವಾರಾ ನಿರ್ವಾಚನ ಆಯೋಗ ಮೇ ದಲ್ ದರ್ತಾ ಕೆ ನಿವೇದನ ಆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೇ ಝಡಪ್ 11 ಗೋಟೆ ಕಿ ಮೃತ್ಯು 150 ಘಾಯಲ್ आप समाचार विस्तार से। नागपुर आपी डाड़ी चौक के बीच में सड़क दुर्घटना में एक गोटे के मृत्यु एक गोटे घायल मॉर्निंग वॉक दंपति सड़क का क्या जा रहा है। पालिका वार्ड नंबर प्रमिला साह के मात्र घटना स्थल में मृत्यु खगपति शंभु साह के माथ आ पैर में लागत। घायल साह के जनकपुर में इलाज बाहर के लिए रेफर रामानंद चौक आपीडाड़ी चौक खेल के कारण खुज नहीं सको प्रकृति देखला से ठक्कर देने हो सकबाक क्या गया। सरकार उत्तरी पड़ोसी चीन के दू जोड़ी गैंडा देव के निर्णय कलक। मंत्री परिषदक रविक भोर प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में बैसल बैसार चीन के दुट्टा फाले आ दुट्टा पोथी गैंडा उपहार स्वरूप देव के निर्णय कने। सूचना तथा संचार मंत्री शेरधन राय अध्ययन अनुसंधान आ शिक्षा प्रवर्धनक लेल चीन के दू जोटी गैंडा देव के निर्णय कने जानकारी दिलन। यह खास करें तो संरक्षण प्राकृतिक प्रजनन अध्ययन अनुसंधान संरक्षण शिक्षा प्रबंधन करना को निम्ति दुईवटा भाले र दुईवटा पोथी दुई जोड़ी गैंडा उपलब्ध कराने इस प्रकार निर्णय सरकार ने गरेको छ। मंत्री परिषद बैसार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के विशिष्ट सेवा संचालनक लेल उपकरण खरीद कर 20 करोड़ रुपया उपलब्ध कराब के निर्णय सेहो कने। बैसार पूर्व मंत्री एवं पूर्व कानून सचिव माधव पौडेल के नेपाल कानून आयोगक अध्यक्ष में नियुक्त सत्तारूढ़ नेकपा एमाले निकट पौडेल अंतरिम मंत्री परिषद में शिक्षा आ सूचना तथा संचार मंत्रालयक जिम्मेवारी संभालने छल। सरकार निजामती सेवा में इंजीनियरिंग सेवा दिस से रामानंद प्रसाद यादव के सचिव में बढ़वा कने। अहिना बैसार नेपाली सेनाक 10 गोटे प्रमुख सेनानी के महासेनानी में बढ़वा कने। 16 गोटे महासेनानी के सर्वाक निर्णय कने संचार मंत्री राय जानकारी दिलन। औजार खरीद करना का लगी 20 करोड़ रुपया थप पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी नेपाल कानून आयोग अध्यक्ष में पूर्व सचिव माधव पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी इंजीनियरिंग क्लस्टरबाट रामानंद प्रसाद यादवलाई सचिव में बढुवा गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। त्यसैगरी नेपाली सेना का 10 जना प्रमुख सेनानीहरूलाई महासेनानी पदमा पदोन्नति गरी पदस्थापन गरिएको छ। त्यस्तै 16 जना महासेनानी दर्जा का अधिकृतहरूलाई विभिन्न युनिटहरूमा सर्वा गर्ने निर्णय गरिएको छ। सरकार प्रदेशक मुख्यमंत्री आ प्रदेश प्रमुखक पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा संबंधी विधेयक तैयार पारक लेल सैद्धांतिक सहमति प्रदान कने। व्यवस्थापिका संसदक सुशासन तथा अनुगमन समितिक सांसद सब बीच पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी सभक सुविधा के विषय के लकअ विवाद भेल। समिति अंतर्गत उपसमिति नेपाल पूर्व पदाधिकारी उत्पादन कर के कर कारखाना भेल तथा पूर्व पदाधिकारी के कुल नीति तंत्र में केनाहितो मनमर्जी रूप में सुविधा देल गेल कहत प्रतिवेदन में उल्लेख केने विषय के लकअ सांसद सब बीच विवाद भेल। नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद अमनलाल मोदी देश आ जनता के सेवा केने नेता सबके सुविधा देव हिचकिचाव नहीं हाथ बतौलन। ओ घूस खाकर करोड़ों अर्जन केने
कर्मचारी पेंशन में अरबों रुपया खर्च भ रहल अवस्था में समिति संख्या पूर्व राष्ट्रपति आ पूर्व प्रधानमंत्री के सुविधा देला से किछ फरक नहीं पड़त कहत उप समिति में प्रतिवेदन हुबहू पारित केने नोट ऑफ डिसेंट लेखक के चेतावनी देलेन अछि। जुन चरित्र हत्या गर्ने हुन्छ, जुन समाजमा एक किसिमको चाहिँ विस्थापित काम गर्ने हुन्छ, त्यो काम नगरौँ। यो देशमा चाहिँ चालुगत खर्च यत्रो गर्न सक्छन् यो देशको कर्मचारीको लागि, अनि जसले जनता र देश जनताको लागि जस्तो सीमित सितिमिति पाउने पद होइन भनिराखेका छौँ, त्यस्तो मान्छेलाई अपमान नगरौँ भनेर पो हो त, ढकार आउने गरी नदिउँ। अब यस्तो विषयमा तपाईँ आज निर्णायक, मैले अलिकति जोड्न खोजेँ, निर्णायक यो समितिमा यदि उपसमितिको छलफल गरेर यो समितिमा तपाईँ आज यो प्रतिवेदन पेस गर्छ भने यसको चाहिँ तपाईँलाई तर्क र वितर्क गरेर माथि पेस होइन, यदि साँच्चै गरेर फरक मत सहितको चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्छ। माओवादी केन्द्रक सांसद मोदी अपने सेहो 9 सदस्यीय उप समितिक सदस्य छला। उप समितिक संयोजक जनकराज जोशी कहलनि अखन पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उप प्रधानमंत्री, पूर्व गृहमंत्री तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सभक मन पड़ी रूप में सुविधा आ सुरक्षा प्रदान कैल गेल कहत सुविधा पावा वाला सब के संख्या से नेपाल पूर्व पदाधिकारी उत्पादन कर के देश भेल पुष्टि भेल बतौलन। अब माननीय ज्यूहरूले भनिदिनु पर्यो कि यो मुलुकमा 8-8 जना पूर्व चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू हुन्छन्, 9-9 जना चाहिँ पूर्व उप प्रधानमन्त्रीहरू हुन्छन् र 11 जना चाहिँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू हुन्छन् भने यो मुलुक पूर्व पदाधिकारी उत्पादन गर्ने कारखाना नभए के भयो त, र फेरि भविष्यमा पनि आउँछ। अब किन डराउने जब वास्तविकता त्यही नै हो भने, यसले कसलाई छुन्छ कसलाई के गर्छ भन्ने कुरा त म त हेर्नुहोस् परापूर्व कालमा पनि जाहिर खाएको हो। परापूर्व कालमा ढाकछोप गरिदिनुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यताबाट राज्य संयन्त्र निर्देशित हुन्थ्यो, हामी त्यसैको निरन्तरता खोजेका हौँ त, त्यही ढाकछोपै गरौँ, गल्ती भइराखेको छ भने पनि त्यो नदेखाउँ, मिलाउँ, खुसी नै पारौँ, के के जातिका भाषाहरू नै बोलौँ भन्ने खोजिएको हो भने भाषा परिमार्जन गरौँ। देश में हाल पूर्व प्रधानमंत्री 8 गोटे, पूर्व प्रधानाधीश 11 गोटे तथा पूर्व गृहमंत्री 17 गोटे छथि। बैसार में नेपाली कांग्रेसक सांसद अर्जुन सिंह केसी कहलनि पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीक नाम में पूर्व गृहमंत्री आ पूर्व उप प्रधानमंत्री के सुविधा देब नहि होयत बतौलन अछि। ओ अन्य पूर्व पदाधिकारी के सेहो अखन देखल गेल सुविधा बहुते भेल कहैत अहिमे कटौती कर आवश्यक रहल बताउ। प्रधानमन्त्रीहरू अथवा सभामुखलाई पनि एउटा हैसियत छ, म र प्रधान न्यायाधीशहरूको पनि मेरो दृष्टिकोणले चाहिँ के छ भने, प्रधान न्यायाधीशहरूले आफ्नो प्रधान न्यायाधीश भए बापत जे कम्पेन्सेट अथवा के पाउँछन् त्यसबाट ब्यालेन्स हुने गरेर मात्रै दिने, सुरक्षाको हकमा चाहिँ आवश्यकता पर्दाखेरि राष्ट्रिय रूपको पोलिटिकल पर्सनालिटिजहरूलाई चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्ने एउटा सीमाभित्र चाहिँ जरुरी हुन्छ। तर अहिले जुन ढङ्गको तामझाम छ त्यो सन्झारा मैले देखेँ, यो नभएको कुरालाई, यति गरिब देश छ, यो गरिबीमाथि अर्को महा गरिबी थप्नको निम्ति भूतपूर्व पुलिसद्वारा विशिष्ट पदाधिकारीको नाममा जुन सहुलियत दिएको छ त्यो रोक्नुपर्छ। उपसमिति के प्रतिवेदन में प्रयोग भेल भाषाक विषय में सांसद सब बीच विवाद भेल बाद समिति उपसमिति पुनर्गठन केने अछि। समिति सांसद अमर बहादुर थापा के थप क के उपसमिति पुनर्गठन केने अछि। उपसमिति के प्रतिवेदन के परिमार्जन क के जेठ 29 गते के बैसार में पेश करत समिति के सभापति मोहन सिंह राठौर जानकारी देलन अछि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंजक डॉक्टर गोविंद केसी के अनशन विरुद्ध मेडिकल क्षेत्रक विद्यार्थी सब मोर्चाबंदी शुरू केलक अछि। विगत में हुनक आंदोलन सकारात्मक रहल होइत तो पिछला दिन सब में सीट कटौती, छात्रवृत्ति पाव के विद्यार्थी में कटौती आ हजारों विद्यार्थी के विदेश पठाव के रणनीति देखल गेल कहैत विद्यार्थी सब मोर्चाबंदी शुरू केने अछि। शनिक साँझ मेडिकल क्षेत्र में आबद्ध विभिन्न कॉलेज सभक विद्यार्थी सब भेला डॉक्टर केसी के मांग संबोधन नहि कर सरकार के दबाव देव के निर्णय केने अछि। गोविंद केसी के बेर बेर के अनशनक कारण समग्र चिकित्सा क्षेत्र में असर पहुँचल ओ सब के ठहर अछि।
सरकारी अनुगमन टोली रवि दिन क्षेत्र पार्टी में पहुंचल बाद ओ क्षेत्रक दवाई व्यवसाय में भागा फाग भेल अछि। अनुगमन टोली के देखल बाद शटर बंद कयल गेल में मेडिकल सब में सीलबंदी कयल गेल अछि। आपूर्ति मंत्रालय, आपूर्ति विभाग, वाणिज्य विभाग, दवाई व्यवस्था विभाग आ जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू के संयुक्त टोली रवि दिन क्षेत्र पार्टी क्षेत्रक दवाई दुकान सब में अनुगमन कियने अछि। इखापुखू रितेश लगायत अधिकांश मेडिकल दुकान धनी सब अनुगमन टोली के देख के साथे शटर बंद कक भागने छल। बाबूराम भट्टराय संयोजक करैत आयल नया शक्ति के राजनीतिक पार्टी के रूप में निर्वाचन आयोग दर्ताक लेल रवि दिन निवेदन देने अछि। भ्रिकुटी मंडप में जमा भ क जुलूस सहित पहुँचल नेता सब नया शक्ति पार्टी नेपालक नाम में दल दर्ताक लेल निवेदन देने अछि। प्रवक्ता खीमलाल देवकोटाक अनुसार राष्ट्रीय भेला में सहभागी होब आयल नेता कार्यकर्ता सबक नामावली सहित दल दर्ताक लेल निवेदन देने अछि। ओहि के पार्टीक नाम सहित के विधान अषार 25 गते धरक आय व्यय के ऑडिट रिपोर्ट सहित के निर्वाचन आयोग में बुझौने अछि। आप इंटरनेशनल न्यूज़। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में पुलिस आ प्रदर्शनकारी बीच झड़प भेला से 8 गोटे के मृत्यु भेल अछि त अन्य 150 से बेसी घायल भेल अछि। घायल भेल में 96 गोटे सुरक्षाकर्मी तथा लगभग 70 गोटे सर्वसाधारण नागरिक रहल सरकारी अधिकारी बतौलक अछि। शुक्र दिन पुलिसक कार्यवाही के क्रम में चरमपंथी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांड वानी के मृत्यु भेल बाद ओही के विरोध में निकलल प्रदर्शन के क्रम में झड़प भेल छल। भारतक गृह मंत्री राजनाथ सिंह शांति कायम राख सब संग आग्रह कलन अछि। वानी संगे हुनक दुई साथी से हो कार्यवाही के क्रम में मारल गेल प्रहरी अधिकारी बतौलक अछि। ई घटना बाद विरोध में कश्मीरक नागरिक प्रदर्शन केने अछि। प्रशासन संवेदनशील क्षेत्र में कर्फ्यू सेहो लगौने अछि। विद्रोही संगठन इस्लामिक स्टेट आईएस सीरिया में दुई गोटे रूसी पायलट के हत्या केलक अछि। आईएसक लड़ाकू सैनिक हेलीकॉप्टर में आक्रमण क फेंकने अछि। आईएसक लड़ाकू MI-25 हेलीकॉप्टर में बम प्रहार केने अछि। आक्रमण में पर हेलीकॉप्टरक रूसी पायलट के मृत्यु भेल रूसी सेना के उद्धृत करैत BBC जनौलक अछि। आईएस विरुद्ध के कार्यवाही में हेलीकॉप्टर ऊपर आईएस के लड़ाकू ऐतिहासिक शहर पालमायर के पूर्वी क्षेत्र में आक्रमण केने अछि। रूस सीरिया में बीतल सेप्टेम्बर से आईएस विरुद्ध कार्यवाही अभियान चलबैत आयल अछि। एहि क्रम में एखन धरि कमती में 12 गोटे रूसी सैनिक मारल गेल अछि। बेस तऽ अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर, तेज नजर, देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।